महाराणा प्रताप आफ्टर द डेट ऑफ उदय सिंह महाराणा प्रताप एस्केंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़। तो जब उदय सिंह की डेथ हुई उसके बाद महाराणा प्रताप जो है वो गद्दी पे बैठ गया किसके, मेवाड़ के। ही कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर मेवाड़ एग्जिस्टेंस। तो उसने क्या किया, मेवाड़ एग्जिस्टेंस के लिए, मेवाड़ के अस्तित्व के लिए कंटिन्यू स्ट्रगल की। टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल विथ अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। तो उसका स्वतंत्र मेंटेन रहने के लिए उसने अकबर के साथ कंटिन्यू लड़ाई की, स्ट्रगल की। ही हैज बिकम इमोर्टल इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज क्वालिटीज ऑफ वैलोर करेज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सैक्रिफाइस। तो हिस्ट्री में वो एक फेमस बन चुका है किसके लिए, उसके क्वालिटीज कौन कौन सी थी, वैलोर पराक्रम, करेज मीन्स धैर्य, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स स्वाभिमान, और सैक्रिफाइस मीन्स त्याग। तो ऐसे महाराणा प्रताप एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज था। नेक्स्ट चांद बीबी। द मुगल अटैक अहमदनगर द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह किंगडम। तो मुगल ने कहाँ पे अटैक किया, तो निज़ाम शाह का किंगडम है अहमदनगर इन 1595 सी। द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट ऑफ अहमदनगर अंडर सेज। तो जो मुगल आर्मी ने क्या किया, जो अहमदनगर फोर्ट है उसको सेज किया, मिस वेड़ा दिया। चांद बीबी द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह। तो हुसैन निज़ाम शाह की चांद बीबी ये जो है ये कैपिटल मीन्स कैपेबल डॉटर थी अब अहमद निज़ाम शाह अहमदनगर। ब्रेवली डिफेंडेड द फोर्ट। तो जो चांद बीबी थी निज़ाम शाह की डॉटर, उसने क्या किया, ब्रेव के साथ उस फोर्ट को डिफेंडेंट किया। एट दिस टाइम देयर वॉज एन इंटरनल स्ट्रिप अमंग द फैक्शंस ऑफ द सरदार इन द निज़ाम शाहीज किंगडम। लेकिन निज़ाम शाही किंगडम में कुछ ऐसे सरदार थे उनके बीच में थोड़े इंटरनल प्रॉब्लम हो गए। दिस रिजल्टेड द मर्डर ऑफ चांद बीबी। इसके लिए चांद बीबी का फिर मर्डर किया गया। लेटर द मुगल कैप्चर द फोर्ट ऑफ अहमदनगर। उसके बाद मुगल ने अहमदनगर का फोर्ट को कैप्चर किया, बट द मुगल कुड नॉट ब्रिंग द एंटायर किंगडम ऑफ निज़ाम शाह अंडर हिज कंट्रोल। लेकिन मुगल ने जो एंटायर किंगडम था वो पूरा किंगडम निज़ाम शाह का वो अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए मुगल। देन नेक्स्ट रानी दुर्गावती। गोंडवाना कैन ब्रॉडली ही सेड टू कंप्राइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ। तो गोंडवाना कहाँ तक है, देखो ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू द नॉर्थ, नॉर्थ में मध्य प्रदेश, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ टूडे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न पार्ट, एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा। तो यहाँ तक गोंडवाना का विस्तार हो चुका है, वो एक्सटेंड हुआ है, एक बार उसको पढ़ना है तुम्हें। ओके। दुर्गावती बॉर्न इन द डायनेस्टी चंदेल राजपूत बिकम द क्वीन ऑफ गोंडवाना। तो दुर्गावती ये कौन है, क्वीन ऑफ गोंडवाना, रानी दुर्गावती। बॉर्न इन डायनेस्टी चंदेल राजपूत, चंदेल राजपूत में उसका जन्म हुआ था। बिकम द क्वीन ऑफ गोंडवाना व्हेन शी वॉज मैरिड। जब उसकी शादी हुई तब वो गोंडवाना की किंग क्वीन बन गई। शी वॉज एन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक उत्तम एडमिनिस्ट्रेटर थी। स्ट्रगल ऑफ गोंडवाना क्वीन दुर्गावती अगेन द मुगल्स इज इम्पॉर्टेंट इन द मेडिवल हिस्ट्री। तो जो गोंडवाना स्ट्रगल में रानी दुर्गावती है जिसने मुगल के अगेंस्ट में जो लड़ाई की वो मेडिवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर हर हस्बैंड डेड दुर्गावती लेट डाउन आर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर। जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई लेकिन उसने अपना सारा जीवन अकबर के साथ फाइटिंग करने में लगा दिया। बट शी डिड नॉट सरेंडर, लेकिन उसने सरेंडर किया नहीं। ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब।